देखा ही था लिखा है यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा का मान क्या है। त्रिकोणमिति में आपको क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए तब तो सवाल बनेगा। यहाँ से अब सच पर देखना cos थीटा बराबर 4/5 इसको वैसे ही लिखे। यहाँ आपको याद होना चाहिए लाल बटे कक्का वाला इसमें क्या होगा cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण ऐसे आपको याद रखना है। इसमें लाल बटे कक्का करके यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पहला मूल है साइन दूसरा मूल है कॉस और तीसरा मूल है टेन। साइन को उल्टा होता है कॉसे कॉस को उल्टा होता है स्टे और टेन को उल्टा होता है कॉस। देखिए साइन का यहाँ पर हमको कॉस का निकालना है ए मतलब आधार समझ लेना और के मतलब कर्ण क्या होगा आधार बटे कर्ण ऐसे इसका आप फॉर्मूला निकाल सकते याद रख लेना इस प्रकार लाल बटे कक्का तो आपको जल्दी याद आएगा। ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। यहाँ से क्या होगा अब साइन का अगर हमको निकालना है तो लम बटे कर्ण कॉसे का निकालना है उल्टा कर्ण बटे लम कॉस का निकालना है तो आधार बटे कर्ण और सेक का निकालना है तो कर्ण बटे आधार वैसे टेन का निकालना है तो लम बटे आधार और कॉट का निकालना है तो आधार बटे लम। यहाँ से देखिए कॉस का क्या हो जाएगा इसको देखेंगे आधार बटे कर्ण इसको हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। अब तीन चीज होता है कोई में आधार कर्ण और एक होता है लम। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला लगाना पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको भी आप याद रखना इसको बदलना नहीं कर्ण यहीं पर रहेगा लंब यहीं पर रहेगा आधार यहीं पर रहेगा उल्टा नहीं करना है पता चला लंब को यहाँ लिख दिया और कर्ण को यहाँ तो रॉन्ग हो जाएगा तो फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए कर्ण का मान कितना है 5 कर्ण की जगह कितना 5 घात 2 लंब का मान नहीं दिया है इसको वैसे ही लिख देना आधार आधार का मान कितना दिया है 4 ये 4 हो जाएगा घात में 2 हो जाएगा। अब इसको 5 दूनी 10 नहीं करना 5 की घात 2 मतलब 5 गुणा 5 5 पंचे 25 तब ये क्या हो जाएगा 5 पंचे 25 हो जाएगा ये इसको वैसे लिख देना है। अब ये 4 दूनी 8 इसको नहीं करना 4 गुणा 4 4 चौक हो जाएगा 16 तो क्या करना है 16 को इधर ले आना तो क्या हो जाएगा प्लस उल्टा हो जाएगा माइनस इसको वैसे ही छाप देना है पूरा लंब की घात 2 ये 25 में 16 गया 9 बराबर ये लंब का स्क्वायर। यहाँ से याद रखना है ये घात तो इधर आता है ये कर्णी हो जाता है ऐसे घात तो वर्ग है वर्ग को पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल हो जाता है इसको कर्णी भी बोलते हैं ये कर्णी 9। अब यहाँ पर 2 को नहीं लिखना ये 2 को यहाँ नहीं लिखना है ना 2 तो इधर आ गया ये लंब हो गया। अब 9 तो 9 का वर्गमूल होता है 3 आपको याद रखना है जैसे 25 का वर्गमूल 5 16 का वर्गमूल 6 तो 9 का वर्गमूल 3 ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 9 का वर्गमूल होता है 3 ऐसे इसका जोड़ा भी बना सकते हैं 3 × 3 तो जोड़ा बन के वो पूरा बाहर निकल जाता है इसको कर्णी को नहीं लिखते ऐसा भी आप कर सकते हैं तो कितना आ गया लंब बराबर 3। यहाँ भी लंब का मान आया है ऐसा ये वाला आप याद रखेंगे तो आपसे बहुत सारा सवाल बन जाएगा क्योंकि लंब कर्ण आधार एक चीज याद रखना सब में लंब नहीं निकालते कई लोग में लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकालना पड़ेगा अगर लंब और कर्ण नहीं दिया है तो आधार निकालना पड़ेगा तो फॉर्मूला एक ही है इससे सब बन जाएगा ये लंब हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है साइन थीटा का मान दिया ये हो जाएगा साइन थीटा तो आपको साइन थीटा का फॉर्मूला इधर से देखना है क्या होता है लंब बटा कर्ण यहाँ पर आपको लिखना है लंब बटा कर्ण ये हो जाएगा लंब लंब इसमें देखिए कितना लाए हम 3 लाए यहाँ 3 हो जाएगा कर्ण पहले से दिया था 5 ये साइन थीटा को हो गया। ऐसे ही आप बहुत सारा निकाल सकते हैं अगर प्रश्न पूछता टेन थीटा तो टेन थीटा बराबर ऐसे लिखते तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया लंब बटे आधार यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ता ये लंब बटे आधार यहाँ देखिए लंब लंब कितना लाए 3 और आधार कितना हो गया 4 इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं।